आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पूर्णिया में एक कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम को इंदिरा गांधी स्टेडियम में संबोधित किया और लोगों से पार्टी में जुड़ने की अपील भी की। इस दरमियान मीडिया से बातें करते हुए संजय सिंह ने कहा कि पूर्णिया में लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं करके पूर्णिया की जनता का विश्वास तोड़ा है। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बनमनखी चीनी मिल को पुनः चालू करने का भरोसा दिया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। संजय सिंह ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जिक्र करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने चंपारण से सत्याग्रह की शुरुआत की थी और उन्होंने बिहार में खासतौर से अपना कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम की भी शुरुआत चंपारण से की है और उसके बाद पूर्णिया में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है और उनकी पार्टी आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में भी अहम भूमिका निभाएगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्म भूमि, सत्याग्रह की कर्म भूमि चंपारण से अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद शुरू किया है। तो अलग अलग जोन में जाके कार्यकर्ता संवाद का हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है। कल चंपारण में था, आज पूर्णिया में है, कल भागलपुर में होगा। सबसे पहले एक मजबूत संगठन के निर्माण की आवश्यकता है जिस पर आम आदमी पार्टी जुट गई है। सबसे पहले एक मजबूत संगठन निर्माण करके जनता के मुद्दों पर संघर्ष करके तब हम चुनाव के बारे में निर्णय लेंगे और कहाँ लड़ेंगे, कितनी सीटों पर लड़ेंगे ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। बिहार में आम आदमी पार्टी एक मजबूत उपस्थिति आने वाले 3-4 महीनों में आपके सामने दर्ज कराएगी, ये मैं आश्वस्त कर।